हेलो एवरीवन, इंग्लिश भाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट नंबर 1 फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का पार्ट 4। दोस्तों, इस पार्ट 4 में हम लोग 91 से लेकर 121 क्वेश्चन तक कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के 3 वीडियो को कवर करा चुका हूं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक कवर करा दिए थे। जिस किसी ने वो तीनों पार्ट्स न देखे हों तो वह बीए सेकंड सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों पार्ट्स को देख सकता है। दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं पार्ट नंबर 4th। और पार्ट नंबर 4th में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ओड्स आर देयर इन इंग्लिश पोइट्री? इंग्लिश पोइट्री में कितने प्रकार की ओड्स होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 4 काइंड्स, यानी इंग्लिश पोइट्री में 4 प्रकार की ओड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 92, मिल्टन्स नेटिविटी ओड वॉज रिटन ऑन। मिल्टन की एक ओड है जिसका नाम नेटिविटी ओड है, वो लिखी गई थी किस पर लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, क्राइस्ट नेटिविटी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। रियलिज्म इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ, जो रियलिज्म होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है, किसका कंटेंट होता है? क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा वो मॉडर्न पोएट्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं, द 20th सेंचुरी पोएट्री इज, यानी 20वीं शताब्दी की जो पोएट्री होती है वो कैसी होती है? तो 94 का जो करेक्ट आंसर है वो ट्रेडिशनल एंड एक्सपेरिमेंटल, यानी 20th सेंचुरी की जो पोएट्री है वो ट्रेडिशनल और एक्सपेरिमेंटल होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 में है, ए पोएटिक लाइन विद 5 feet इज कॉल्ड। एक पोएटिक लाइन होती है जिसमें 5 feet होते हैं, यानी 5 चरण होते हैं, उसको हम क्या कहकर पुकारते हैं? तो 95 का जो करेक्ट आंसर होगा वो पेंटामीटर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि 5 feet यानी पेंटामीटर, पेंटा का मतलब भी 5 होता है। दोस्तों, यहाँ हेक्सा है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, ये ट्राई है, ट्राई का मतलब 3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, ए सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड। सॉन्ग ऑफ सोरो जो है फॉर द डेड, मरे हुए लोगों के लिए इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो एलिजी है, यानी दुख कहलाता है, यानी जब किसी की मौत के ऊपर कुछ लाइंस लिख दी जाती हैं तो वो एलिजी कहलाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। ए वर्स हैविंग 1 ऑक्टेव, एक वर्स जो है वो 1 ऑक्टेव रखती है, एंड 1 सेस्टेट और 1 सेस्टेट रखती है। दोस्तों, ऑक्टेव का मतलब 8 और सेस्टेट का मतलब 6 होता है, यानी 8 और 6 को मिला दिया जाए तो वो 14 बन जाता है, और 14 लाइन की जो पोयम होती है उसे सोनेट कहा जाता है। तो 97 का जो करेक्ट आंसर होगा वो इटालियन सोनेट हो जाएगा, यानी एक ऐसी वर्स जिसमें 1 ऑक्टेव हो और 1 सेस्टेट हो उसे हम इटालियन सोनेट कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। ए वर्स ऑफ 14 लाइन्स, एक 14 लाइन्स की कविता
विद थ्री क्वाट्रेन, जिसमें तीन क्वाट्रेंस होते हैं एंड वन कपलेट, और एक कपलेट होता है इच कॉल्ड, ऐसी कविता को क्या कहा जाता है? तो 98 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट की जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है उसमें थ्री क्वाट्रेंस होते हैं और वन कपलेट होता है, और हर एक क्वाट्रेन में चार लाइनें होती हैं, तो 3 × 4 = 12 यानी 12 लाइन हो गए, और वन कपलेट में दो लाइन होती हैं तो 12 + 2 = 14 यानी यह भी एक सोनेट है। तो इस तरीके की जो सोनेट होती है उसे हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। अब बात करते हैं 99 की, ए वर्स ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन की जो कविता होती है राइमिंग एट द एंड और आखिरी में राइमिंग होती है इज नोन एज, उसे हम क्या कहकर पुकारते हैं? 99 का जो करेक्ट आंसर है वो है कपलेट। कपलेट मतलब दोहा होता है और दोहे में केवल दो लाइन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, वर्स ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की जो कविता होती है इज कॉल्ड इज ए, उसे क्या कहकर पुकारा जाता है? तो 100 का जो करेक्ट आंसर है वो है सोनेट, क्योंकि अभी अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 14 लाइन की जो सोनेट 14 लाइन की जो पोएम होती है उसे हम सोनेट कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101, ए फोर लाइन स्टेंजा, यानी एक चार लाइन का जो स्टेंजा होता है इज नोन एज, वो जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है? क्वाट्रेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्वाट्रेन में एक क्वाट्रेन में चार लाइन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 102, इंग्लिश पोएट्री इज डिवाइडेड इनटू, जो इंग्लिश पोएट्री होती है उसे बांटा गया। 102 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 9 पार्ट्स, यानी इंग्लिश पोएट्री को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, द फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोएट्री वॉज, इंग्लिश पोएट्री का जो फाउंडर है यानी जो संस्थापक है वह कौन है? तो 103 का जो करेक्ट आंसर है वह है जेफरी चौसर, यानी जेफरी चौसर को इंग्लिश पोएट्री का फाउंडर कहा जाता था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की, द फर्स्ट इंग्लिश पोएट्स टू इंट्रोड्यूस, ऐसा कौन सा इंग्लिश पोएट्स है जिसने इंट्रोड्यूस परिचय कराया द इंग्लिश सोनेट्स, इंग्लिश सोनेट्स का? तो 104 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेट और सरे, यानी थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सरे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की, और 105 जो क्वेश्चन है, ए शॉर्ट एंड लाइट लिरिकल कंपोजिशन इज ए, यानी एक शॉर्ट और जो लाइट लिरिकल कंपोजिशन होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग कहते हैं। 106, हाइम्स आर सॉन्ग्स, हाइम्स एक प्रकार का सॉन्ग्स होता है संग इन, जिसे गाया जाता है। तो 106 का जो करेक्ट आंसर है वो है चर्चेस। 107, ए बैलेड इज ए, जो बैलेड होती है वह क्या होती है? तो जो बैलेड है वो आपकी शॉर्ट स्टोरी इन वर्स, जो बैलेड होती है वो वर्स में लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी होती है, ऑप्शन नंबर डी। अब 101 की बात करते हैं, ए बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ, जो बैलेड होता है किस प्रकार का फॉर्म होता है? 108 का करेक्ट आंसर है इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव पोइट्री, यानी जो बैलेड होती है वो इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है। 109, एन एपिक इज, जो एपिक यानी महाकाव्य होता है वो कैसा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है, ए लॉन्गर नरेटिव, यानी एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोयम होती है, एक लंबी वर्णात्मक कविता होती है।
110. द थीम ऑफ एंशियंट एपिक, एंशियंट एपिक की थीम क्या होती है? तो एंशियंट एपिक की जो थीम होती है वो लीजेंडरी हीरोज पर आधारित होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. 111. हु यूज टू हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट का यूज किसने किया था? तो हीरोइक कपलेट का यूज करने वाले थे ड्राइडन, यानी जॉन ड्राइडन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 112. ड्राइडन यूज्ड द हीरोइक कपलेट विद, ड्राइडन ने हीरोइक कपलेट का यूज किया था विद किसके साथ? तो ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दीज, यानी ड्राइडन ने हीरोइक कपलेट का यूज फोर्स के साथ, फ्रीडम के साथ और फ्लेक्सिबिलिटी, इन तीनों के साथ किया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट है. बात करते हैं 113 की. ब्लैंक वर्स कंसिस्ट, ब्लैंक वर्स जो है कंसिस्ट वो रखती है, क्या रखती है? तो ब्लैंक वर्स जो है वो 5 iambic feet रखती है. अब बात करते हैं 114 की. 114 में है ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर में जो ब्लैंक वर्स है वॉज फर्स्ट यूज्ड, उसका सबसे पहला यूज किया गया था किसके द्वारा? तो जो सरे है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अर्ल ऑफ सरे ने ब्लैंक वर्स का यूज सबसे पहले किया था. 115. हाउ मैनी लाइन्स आर टेरजा रायमा, टेरजा रायमा में टोटल कितनी लाइन्स होती हैं? तो दोस्तों टेरजा रायमा में 6 lines का जो स्टेंजा होता है उसे टेरजा रायमा कहा जाता है. अब बात करते हैं 116 की. इन द फेरी क्वीन स्पेंसर्स यूड, यानी स्पेंसर की फेरी क्वीन में यूज्ड किया गया. 116 का जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लैंक वर्स, यानी स्पेंसर की फेरी क्वीन में ब्लैंक वर्स का यूज किया गया. अब 117 को देखते हैं. पोप वॉज द मास्टर ऑफ, जो पोप हैं वो मास्टर थे, किसके मास्टर थे? तो जो अलेक्जेंडर पोप हैं वो हीरोइक कपलेट के मास्टर कहे जाते हैं. 118 की बात करते हैं. हु इंट्रोड्यूस्ड टेरजा रायमा इन इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री में टेरजा रायमा का यूज किसने किया था? तो इंग्लिश पोइट्री में टेरजा रायमा का यूज करने वाले थे जेफरी चौसर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. 119. ए पेयर ऑफ टू लाइन्स, यानी दो लाइन का जो जोड़ा होता है राइमिंग टूगेदर इज, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हीरोइक कपलेट कहा जाता है. 120. 120वां क्वेश्चन है. द टेरजा रायमा इज, टेरजा रायमा है क्या है? तो एन इटैलियन वर्स फॉर्म, जो टेरजा रायमा होती है वो इटैलियन वर्स फॉर्म होती है. क्वेश्चन नंबर 121, आज का लास्ट क्वेश्चन. हु इंट्रोड्यूस्ड द ब्लैंक वर्स इंग्लिश, इंग्लिश में ब्लैंक वर्स का यूज कौन किसने किया? तो 121 का जो करेक्ट आंसर है वो है सरे, ऑप्शन बी यानी अर्ल ऑफ सरे. दोस्तों ये थे आपके 121 क्वेश्चन पार्ट 4 से. आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए. दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.